तो फ्रेंड कुछ समय पहले से बॉलीवुड की ऑडियंस चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भाई बॉलीवुड वाले ओरिजिनल फिल्में बनाएंगे तो ही हम उन फिल्मों को सपोर्ट करेंगे और उन फिल्मों को सुपर डुपर हिट करा देंगे। और फ्रेंड वैसे भी बॉलीवुड में आजकल देखा जा रहा है कि ढेर सारी रीमेक फिल्में बन रही हैं जिन फिल्मों को देख देख कर ऑडियंस पूरी तरह से बोर हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड फाइनली हमारे एक्शन हीरो विद्युत जामवाल एक ओरिजिनल फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है IB-71। जी हाँ फ्रेंड IB-71 जिसका ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ और ट्रेलर पूरी तरह से कमाल का है। जी हाँ फ्रेंड इस ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि फ्रेंड फिल्म की जो कहानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध होता है लेकिन इस बार माइंड गेम होता है और किस तरह से इंडिया अपने दिमाग से पाकिस्तान को हराता है उसी की कहानी है IB-71। अब फ्रेंड फिल्म की कहानी सेट है 1971 में और यहाँ पर ट्रेलर में जिस तरह से 1971 का इरादा दिखाया है वो काफी बढ़िया और रियलिस्टिक लग रहा है। हर एक फ्रेम और हर एक विजुअल आपको कहीं ना कहीं 1971 में लेकर जाता है और बताता है कि उस समय में सब कैसा दिखता था। तो ट्रेलर में यहाँ पर वीडियोग्राफिक कमाल की है, साथ ही साथ इस ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो भी काफी बढ़िया है, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर ट्रेलर में जो डायलॉग्स हैं वो भी काफी पावरफुल हैं और इस ट्रेलर में विद्युत जामवाल का लुक उनकी पिछली फिल्मों से काफी हटकर है। वैसे भी विद्युत जामवाल एक्शन में तो सबके बाप माने जाते हैं लेकिन इस बार वो एक्शन से थोड़ा हटकर कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं और ट्रेलर देखकर लगता है कि विद्युत जामवाल ने कुछ नया परफेक्ट तरीके से किया है। तो इस नए अवतार में विद्युत जामवाल को देखना काफी मजेदार रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है बॉलीवुड के लीजेंड अनुपम खेर सर और अनुपम खेर ट्रेलर में काफी बढ़िया लग रहे हैं और अनुपम खेर जी का जो कैरेक्टर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। तो फ्रेंड ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, वीएफएक्स काफी शानदार है, खास करके जो प्लेन वाले सीन दिखाए हैं ना वो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक और वीएफएक्स, विजुअल डायलॉग्स और फिल्म की स्टोरी भी काफी अच्छी है, मतलब कि कुल मिलाकर देख सकते हैं कि फाइनली बॉलीवुड में एक ओरिजिनल यूनिक फिल्म हमें दी है। तो फ्रेंड जितने भी लोगों की शिकायत रहती है कि बॉलीवुड अच्छी और ओरिजिनल फिल्में नहीं बनाता है उन सबकी शिकायत IB-71 से दूर हो जाएगी क्योंकि ट्रेलर अच्छा भी लग रहा है और ओरिजिनल भी है। तो फ्रेंड ये मूवी रिलीज होगी 12 मई को। तो फ्रेंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड ट्रेलर सुपर डुपर हिट है तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई तो बड़ी आसानी से कर जाएगी। बस इस फिल्म को हम सबके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि फ्रेंड वैसे भी आप बोलते हो ना कि बॉलीवुड में ओरिजिनल फिल्में नहीं बनती हैं तो ये ओरिजिनल फिल्म है फ्रेंड, इसे सपोर्ट तो बनता है। साथ ही साथ फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर खुद हमारे विद्युत जामवाल जी हैं। विद्युत जामवाल तो रियल सेल्फ मेड स्टार हैं तो उनका सपोर्ट भी बनता है। वैसे भी फ्रेंड फिल्म काफी बढ़िया होगी तो फ्रेंड इसकी गारंटी क्या है ना कि इसके जो डायरेक्टर है ना संकल्प रेड्डी वो इससे पहले द गाजी अटैक जैसी शानदार फिल्म बना चुके हैं। तो यहाँ पर संकल्प रेड्डी पर भी पूरा भरोसा है कि वो एक बार फिर से IB-71 के रूप में ऑडियंस को एक अच्छी और दमदार फिल्म देंगे। तो फ्रेंड तैयार हो जाइए 12 मई को इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने और एंजॉय करने के लिए। बाकी फ्रेंड IB-71 का ट्रेलर कैसा लगा आपको फ्रेंड अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड अगर आप भी विद्युत जामवाल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं और उनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।